हेलो एवरीवन, मैं मघेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक के बिहाफ में आज आपको हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है CACS एंड प्रोफेशनल्स के लिए। आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ वो है पेरोल सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर बेसिकली एक HR टूल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर, अटेंडेंस, लीव, इस तरह की चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पे एक लॉगिन ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप ADMIN एडमिन पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हाइडेड हैं। ये हाइडेड इसलिए हैं क्योंकि इसमें वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होती है। इसे फिल करने के लिए आप सबसे पहले कंपनी पर आएँ, कंपनी इन्फो पर आएँ, यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड पर क्लिक करते हैं। कंपनी का कोड, नेम और अदर बेसिक डिटेल्स डाल के आप अपडेट करते हैं। इस तरीके से आप कंपनी ऐड कराते हैं। जब आपकी कंपनी ऐड हो जाए तो एग्ज़िट करें। एग्ज़िट करने के बाद जब आप कंपनी ऐड करा देते हैं तो यहाँ आपकी कंपनी का नाम शो होने लग जाता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी सिलेक्शन में। क्योंकि पेरोल सॉफ्टवेयर में आप एन नंबर ऑफ कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए एक बार में जिस कंपनी के लिए काम करना है वह कंपनी सेलेक्ट करके आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं तो उस कंपनी का नाम शो हो जाता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मास्टर डिटेल का। मास्टर डिटेल के थ्रू आप सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय की डिटेल ऐड कराते हैं। इसे ऐड कराने के लिए आप ऐड पे क्लिक करें, अपने एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी अदर डिटेल जैसे कि उसकी फाइनेंशियल डिटेल कि PF एप्लीकेबल है या ESI एप्लीकेबल है, अदर डिटेल्स, उसकी फैमिली, नॉमिनीज, ये सारी डिटेल डाल के आप ऐड कराते हैं। ये तो थी डिटेल डालने की बात। डिटेल्स डालने के बाद आपका एम्प्लॉय ऐड हो जाता है। आप चाहें तो वैलिडेट करा सकते हैं उसका पैन या फिर इम्पोर्ट करा सकते हैं उसका UAN नंबर। मास्टर में एम्प्लॉय ऐड कराने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सैलरी हेड्स। सैलरी हेड्स के थ्रू आप यहाँ देखेंगे कि हमने आपको कुछ बेसिक सैलरी हेड्स पहले से ही दे के रखे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और सैलरी हेड्स ऐड कराना है तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करके कुछ और सैलरी हेड्स भी ऐड करा सकते हैं। सैलरी हेड्स ऐड कराने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सैलरी सेटअप। अब यहाँ से आप अपने एम्प्लॉय का सैलरी सेटअप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन दे के रखे हैं, उनके सामने उनके फॉर्मूले हैं। मतलब कि अगर आप चाहें कि आपकी एम्प्लॉय की सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो तो यहाँ पे आप फॉर्मूले के थ्रू उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करा सकते हैं। इसे करने के लिए आप अपना जो भी सैलरी हेड से सेलेक्ट करें, क्लिक करके फॉर्मूला मेंशन करके ओके पे क्लिक करें तो यहाँ से आप सैलरी हेड्स ऐड करा देते हैं। फॉर्मूले अगर आप चाहें तो हम यहां से कंपनी के थ्रू भी आपके फार्मूला सेट कराए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सैलरी हेड्स कम हैं तो इंसर्ट रो के थ्रू आप अगर चाहें तो और भी सैलरी हेड्स ऐड करा सकते हैं। फॉर्मूलेस ऐड कराने के बाद टिक कर सकते हैं प्रोपोर्शनल डेज या मैनुअल इनपुट। अगर आप चाहें कि मैनुअली इनपुट देना हो तो आप मैनुअली इनपुट पर टिक करके मैनुअल इनपुट भी दे सकते हैं। आप अगर लॉक कराना चाहते हैं सेटअप तो लॉक पे क्लिक करके आप सेटअप लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहें तो इंसेंटिव और बोनस सेटअप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी सेटअप बनाने के बाद आपको कुछ अदर डिटेल जैसे कि रिजाइन डेट सेटिंग, PFESI रेट चेक करना हो, वेजेस या ग्रेजुएटी डिटेल्स या पेमेंट मोड क्या क्या हैं, आपके यहाँ इंक्रीमेंट्स ड्यू सेटअप क्या होता है, कुछ रिमाइंडर सेटअप देना चाहें जैसे कि जब भी सॉफ्टवेयर ओपन हो तो आपको मैसेज रिमाइंडर आए तो यहाँ से आप मैसेज रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं मास्टर में। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लीव मास्टर। लीव मास्टर के थ्रू आप यहाँ सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी की लीव सेटअप भी ऐड करा सकते हैं। इसके लिए आप पेड लीव मास्टर पे क्लिक करके लीव का नेम ऐड कराएं जैसे कि PL हुई या जो भी हुई, उसका नाम ऐड कराने के बाद आप अपडेट कर देते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद आप ऐड रो पे आके
सेलेक्ट करते हैं लीव की पीएल है या सीएल, सेलेक्ट करने के बाद आप नंबर ऑफ लीव्स कितनी एलिजिबल है, मंथली रिस्ट्रिक्शन है कितनी अलाउ है, इस तरीके से आप अपने कंपनी का लीव सेटअप भी बना सकते हैं। मास्टर में इसके बाद कुछ अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि मंथली कैलेंडर, यहाँ पे मंथली कैलेंडर दे के रखे हैं एम्प्लॉय के, आप यहाँ से हॉलीडे असाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ग्रुप वाइज, या फिर से क्लिक करने के लिए सेलेक्ट करें एम्प्लॉय सेलेक्ट करें, उसके सामने उसका कैलेंडर शो हो जाता है। यहाँ से एग्जिट करते हैं, मास्टर पे फिर से आते हैं, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अदर डिटेल जैसे कि बैंक डिटेल्स, ब्रांच डिटेल, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें दे के रखी हैं। इसके थ्रू अगर आप चाहें तो आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं एम्प्लॉय को इन गिवन ऑप्शंस के थ्रू। इसके बाद आप चाहें तो प्रोजेक्ट मास्टर के थ्रू प्रोजेक्ट मास्टर ऐड कराएं, रिम्यूजमेंट टाइप के थ्रू आप अपना रिम्यूजमेंट सेटअप प्रिपेयर कर सकते हैं। मास्टर कम्प्लीटली फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है सैलरी। सैलरी पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है होता है मंथली सैलरी। मंथली सैलरी पे क्लिक करके प्रोसीड करें, प्रोसीड करने पे यहाँ पे आप मंथली सैलरी को मेंशन कर सकते हैं। मंथली सैलरी मेंशन करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करें। अपडेट क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो तो आप फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं। इसे प्रेस करने के बाद आपको टोटल स्केल, उसका अमाउंट, डिडक्शन शो हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने कोई सैलरी सेटअप नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है, मगर जब आप यहाँ पे सैलरी सेटअप ऐड करा देते हैं, उसे अपडेट कर देते हैं, तो यहाँ से आप उसकी बेसिक्स डिटेल्स डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें TDS कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट TDS के थ्रू आप डायरेक्टली TDS भी कैलकुलेट करा सकते हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है डेली सैलरी। अगर आपके यहाँ डेली सैलरी दी जाती है तो डेली सैलरी को भी आप ऐड करा सकते हैं। सेलेक्ट करें, प्रोसीड करें, उसकी बेसिक सैलरी TDS की डिटेल डाल के इस तरीके से आप उसकी सैलरी ऐड करा सकते हैं डेली सैलरी। और अगर आप चाहें तो कुछ अदर ऑप्शन जैसे कि एडवांस पेमेंट, ओवर टाइम, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंसेंटिव जैसे सेटअपों को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने आपको ऑप्शन दिया है रिम्यूजमेंट का भी, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने रिम्यूजमेंट सेटअप सेट कर सकते हैं जैसे कि वो मंथली है या एनुअली। इसके बाद आप वापस सैलरी पर आते हैं। सैलरी पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन है ओपनिंग बजट और बिल पेमेंट का, आप ऑप्शन सेलेक्ट करके, एम्प्लॉय सेलेक्ट करके, प्रोसीड करके आप डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं अपने बिल्स और पेमेंट डिटेल। इसके बाद ऑप्शन आता है अटेंडेंस शीट का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो तो यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट का। इस एक्सपोर्ट शीट में आपको अटेंडेंस के लिए हमने हमारी बाय डिफ़ॉल्ट गिविन मंथली अटेंडेंस विथ डेट और लीव का ऑप्शन दिया है। आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो फाइल नेम पूछता है, तो मैंने ABC करके एक नाम दे के सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे सामने जो मैंने एक्सेल बनाई है उसका सेटअप आ जाता है। मैं डायरेक्टली क्लिक करके उसके सेटअप को अपडेट कर सकता हूँ, अगर वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इस तरीके से। ये शीट को मैं अपडेट करने के बाद इंपोर्ट के थ्रू सॉफ्टवेयर में वापस से इंपोर्ट करा सकता हूँ। इस तरीके से मैं ऑटोमेटिकली उसकी लीव्स अपडेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर वो एक दिन एब्सेंट है, तो एक दिन एब्सेंट करने के बाद मैंने उसे यहाँ अपडेट किया। अपडेट करने के बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा और फंक्शन की F4 प्रेस करूँगा तो मुझे उसके टोटल पेड डेज, उसके एब्सेंट डेज और टोटल डेज बता देता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लीव रिगार्डिंग सेटअप भी मेंटेन कर सकता हूँ। लीव डेट्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो फर्स्ट हाफ पे था, सेकंड हाफ पे था, रीज़न क्या था, इस तरीके डिटेल्स भी यहाँ से बैक कर सकते हैं। आपने जो सेटअप बनाया था उसके थ्रू भी आप यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं। सैलरी में इसके बाद हमने ऑप्शन दिया है PF अरे का, आप ओपनिंग बैलेंस, PF लोन रिगार्डिंग शीट भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है TDS का। TDS पे हमने आपको
आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से टीडीएस रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। आप टीडीएस रिटर्न पर आए, आप जो रिटर्न जैसे कि क्वार्टरली, क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं वो रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सैलरी सर्टिफिकेट्स, जैसे कि यहाँ से प्रोसीड करते हैं 16, 16AA, 12BA जैसे जनरेट भी कर सकते हैं। आप फॉर्म सेलेक्ट करें, डिटेल्स फिल करके अब डायरेक्टली गेट फ्रॉम 16 फाइल रिक्वेस्ट डाउनलोड भी यहां से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म प्रिपेयर भी करके अपलोड कर सकते हैं। यहां पे हमने ऑप्शन दिया है आपको ITR1 प्रिपेयर करने का, तो ITR1 भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां से एग्जिट करते हैं। TDS पे इसके अलावा अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप अलाउंसेस सेटअप मेंटेन करना चाहें तो अलाउंटेड एग्जम्प्टेड सेटअप के थ्रू आप अलाउंसेस का सेटअप मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन एक्टिविटी 10 लॉगिन के थ्रू आप ऑनलाइन लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं। यहां से बैक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के थ्रू आपने जो भी सॉफ्टवेयर में वर्क किया उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सैलरी रिपोर्ट चाहूँ तो मैं पे स्लिप पे क्लिक करके अपना एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके प्रोसीड करूँगा तो मेरे सामने उसका पे स्लिप का फॉर्मेट आ जाएगा। मैं यहाँ प्रिव्यू के थ्रू उसका प्रिव्यू ले सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो ईमेल के थ्रू उसे अपने एम्प्लॉयज को ईमेल भी कर सकता हूँ। यहाँ से एग्जिट करते हैं। रिपोर्ट्स में, सैलरी रिपोर्ट में कुछ अदर रिपोर्ट्स भी दिए जैसे कि सैलरी रजिस्टर, कैश रजिस्टर, ट्रांसफ़र रजिस्टर। अगर मैं चाहूँ उसकी पेरोल समरी देखना तो पेरोल रजिस्टर के थ्रू उसकी पेरोल समरी भी देख सकता हूँ। मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाहूँ एक्सेल तो एक्सेल या फिर डिफ़ॉल्ट में देख सकता हूँ। मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, मुझे रिपोर्ट में क्या क्या ऑप्शन चाहिए वो सेलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ तो मेरे सामने उसकी रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ से बैक करते हैं, एग्जिट करते हैं। रिपोर्ट्स में इसके अलावा हमने आपको अदर रिपोर्ट जैसे कि सैलरी कंप्यूटेशन या समरी या डिडक्शन रिगार्डिंग डिटेल देखनी हो तो वो देख सकते हैं। अब अपने अपॉइंटमेंट लेटर ऐड करा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने बोनस स्लिप, बोनस रजिस्टर्स, ग्रेजुटी या मिनिमम वेजेस रिगार्डिंग रजिस्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने उसका मिनिमम वेजेस रिगार्डिंग जो रिपोर्ट बनती है वो प्रिपेयर होके आ जाती है। आप अगर चाहें रिपोर्ट्स में तो आप अटेंडेंस रजिस्टर्स या लीव चार्ट रजिस्टर्स भी निकाल सकते हैं। आप रिम्ब्यूजमेंट के थ्रू रिम्ब्यूजमेंट रिगार्डिंग स्लिप या रजिस्टर्स या वाउचर्स निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्टर्स भी निकाल सकते हैं। इस रिपोर्ट्स में हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दे के रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेचरी फॉर्म्स। स्टेचरी फॉर्म में हमने आपको सारे स्टेचरी फॉर्म जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ESI, पेंशन स्कीम, पेमेंट, बोनस, मिनिमम वेजेस जैसे ऑप्शंस दे के रखे हैं। इनके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे डिटेल जैसे कि अगर आपको PF चलान या ECR डिटेल डालनी होती तो सेलेक्ट करते हैं। ऐड पे क्लिक करके आप सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ECR पे लॉगिन करके ऑनलाइन भी जा सकते हैं। हमने आपको ESI रिगार्डिंग फॉर्म्स भी देके रखे हैं। आप मंथली समरी निकालना चाहें तो मंथली समरी, या अगर आप ऑनलाइन जाना चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म 1 सबमिशन भी देके रखा है। यहाँ पे कुछ अदर ESI रिगार्डिंग फॉर्म्स भी मिलते हैं। आप अगर पेंशन स्कीम रिगार्डिंग फॉर्म निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वेजेस के थ्रू आपको मिनिमम वेजेस रिगार्डिंग जो रजिस्टर्स होते हैं और जो फॉर्म होते हैं वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ से क्विट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है ऑनलाइन पेरोल का। ऑनलाइन पेरोल इस डेस्कटॉप से ही जुड़ा हुआ है। इसके लिए ऑनलाइन पेरोल हमने आपको एक रिपोर्टिंग टूल दे के रखा है इस डेस्कटॉप पेरोल का। ऑनलाइन पेरोल में आपको एक लॉगिन पैनल मिलता है जिसके थ्रू आप या आपका एम्प्लॉय लॉगिन करके अपनी बेसिक डिटेल्स जो कि इस डेटाबेस में अपडेटेड है उसे लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर के अलग से चार्जेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी का। यूटिलिटी के थ्रू आप चाहें तो यहाँ पे हमने आपको एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल शीट दे के रखी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक एक्सेल शीट होती है।
कि अगर आप चाहें कि आपके पास ऑलरेडी शीट प्रिपेयर है या आप एक एक करके इन पर डिटेल ना ऐड कराना चाहें तो इस एक्सेल में आप डायरेक्टली एंटर करा सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने शीट आ जाती है, आप जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स है सारी बेसिक डिटेल्स ऐड कराकर सॉफ्टवेयर में अपडेट इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार में ही पूरी डिटेल एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर में आप उसकी अटेंडेंस शीट, आपका सैलरी स्ट्रक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल बिल निकाल सकते हैं, या फिर कुछ अदर ऑप्शन है जैसे ईएमआई कैलकुलेट करना या फिर मिसलिनियस इन्फो। मिसलिनियस इन्फो के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, एसटीडी कोड, पिन कोड वैलिडेट करा सकते हैं, पैन और टैन एक्सेट्रा। एसएमएस के थ्रू आप चाहें तो आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट और एम्प्लॉय को एसएमएस कर सकते हैं। आपको इसे यूज़ करने के लिए कंपनी से एसएमएस पैक परचेस करना होता है। हमसे एसएमएस पैक परचेस करने के बाद आप यहाँ पे अपने टेम्पलेट्स ऐड करा सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को जो मैसेज सेंड करना चाहें डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है विच इज़ अ डॉक्यूमेंट मैनेजर। डॉक्यूमेंट मैनेजर के थ्रू आप अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कराते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उस डॉक्यूमेंट फाइल को सेलेक्ट करके सोर्स फाइल के थ्रू जो फाइल आप चाहते हैं ऐड कराना वो ऐड करा सकते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में। तो जब भी आप उसे व्यू करना चाहें डायरेक्टली उसे सेलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं। इसके बाद बैकअप और रीस्टोर का ऑप्शन है। बैकअप और रीस्टोर के थ्रू आप सॉफ्टवेयर का कंप्लीट बैकअप ले सकते हैं और उसी कंप्लीट बैकअप को अगर आप रीस्टोर करना चाहें फ्यूचर में तो रीस्टोर भी कर सकते हैं। यूज़र सेटअप के थ्रू हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन दे के रखा है यूज़र राइट्स का। यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अगर आपकी जो लॉगिन आईडी है तो यहाँ ऐड पे क्लिक करा के लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप रीड, मॉडिफाई और किस तरीके के राइट्स आप देना चाहते हैं एम्प्लॉय को वो मैंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन भी दे के रखा है। इसके थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर पे वर्क किया जाता है। लॉग आउट करके अगर आप दूसरी कंपनी को लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉग आउट करके आप दूसरी कंपनी को लॉगिन कर सकते हैं। पेरोल सॉफ्टवेयर में हमने एक नया फीचर ऐड कराया है विच इज़ अ बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन। अगर आपकी कंपनी में बायोमेट्रिक मशीन और पंचिंग मशीन यूज में आती है तो आप उसका इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपडेट करा सकते हैं अपनी लीव्स और अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू। उसके लिए अलग से चार्जेस होते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप चाहते हैं और डिटेल्स जानना सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमारी वेबसाइट www.sag-infotech.com पे लॉगिन कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 0141407200 पे। थैंक यू, हैव अ नाइस।